इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेंडर पिस्टन एंड पिस्टन रिंग असेंबलिंग। असेंबलिंग ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की असेंबलिंग में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके फिन्स अच्छी तरह से साफ हों। बाकी इसका डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि क्रैंक केस पर यह रॉन्ग डायरेक्शन में फिट नहीं हो सकता है। फिर भी आप ऐसा याद रख सकते हैं कि सिलेंडर का सबसे बड़ा फिन्स वाला भाग ऑयल फिल्टर साइड की तरफ रखना है। सिलेंडर को स्टड के बीच इंसर्ट करें। अब हमें पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड तथा रिंग को असेंबल करना है, साथ ही साथ रिंग का पोजीशन सेट करना है। रिंग सेटिंग में हमें जानना है कि रिंग का गैप किस तरफ और क्यों रखना है। असेंबलिंग ऑफ एली बेयरिंग एंड कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड में सबसे पहले एली बेयरिंग को इंसर्ट कर लें। एली बेयरिंग सेट के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होते हैं तथा दोनों को किसी भी साइड में फिट किया जा सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि एली बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड के बीच ऑयल का प्रयोग ना करें। दोनों सतह बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ ऑयल डाल देते हैं, जो गलत है। अगर आपको यह जानना है कि इनके बीच ऑयल डालना क्यों गलत है, हमें कमेंट करिएगा, हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अब कनेक्टिंग रॉड में बेयरिंग को इंसर्ट कर दें। Now assembling of connecting rod with piston। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ असेंबल करने के समय दो बातों का ध्यान रखें। पहला, कनेक्टिंग रॉड तथा इसके कैप पर एक नॉच बना होता है। ये दोनों नॉच एक ही तरफ रहेंगे। और असेंबलिंग के समय ये नॉच फ्लाईव्हील की तरफ रहेंगे। दूसरा, पिस्टन पर बना एरो मार्क भी फ्लाईव्हील की तरफ रहेगा। अब इस तरह आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरफ पिस्टन का एरो मार्क है उसी तरफ कनेक्टिंग रॉड का नॉच रखें। अब कॉनरॉड के स्मॉल एंड बेयरिंग को इनलाइन करते हुए गजन पिन इंसर्ट करें। दोनों तरफ से सर्किट ब्लॉक लगा दें। असेंबलिंग ऑफ पिस्टन रिंग। इसको करने से पहले कुछ बातों को समझना अति आवश्यक है। पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता है तब अपनी मूवमेंट से सिलेंडर के वाल पर दो तरफ प्रेशर डालता है। यह एरिया गजन पिन के जस्ट अपोजिट साइड वाला एरिया होता है। इन दोनों एरिया में ज्यादा घिसावट होती है। सिलेंडर के इस साइड को थ्रस्ट साइड कहते हैं, क्योंकि पिस्टन का थ्रस्ट इस साइड में ज्यादा होता है। ठीक इसके उलट गजन पिन के इंड वाले साइड को नॉन थ्रस्ट साइड कहते हैं। जैसा कि इस इंजन में गजन पिन इस डायरेक्शन में सेट रहता है,
तो यह एरिया थ्रस्ट साइड है और यह नॉन थ्रस्ट साइड। पिस्टन में लगे रिंग का काम पिस्टन हेड पर बने कंप्रेशन को क्रैंक केस में बॉटम की तरफ लीक होने से रोकना है तथा दूसरी तरफ सम्प में स्टोर इंजन ऑयल को सीधे पिस्टन टॉप पर जाने से रोकना है। इसलिए रिंग पोजीशन कुछ इस तरह सेट करते हैं कि कंप्रेशन लीक ना हो और इंजन ऑयल भी डायरेक्टली पिस्टन हेड पर नहीं पहुंच सके। अगर पिस्टन के सारे रिंग का गैप एक ही साइड में कर दें तो क्या होगा? ऐसा करने से एक सीधा पैसेज का निर्माण होगा जिससे पिस्टन टॉप पर बना एयर फ्यूल मिक्सर का कंप्रेशन सीधा सम्प की तरफ लीक करके चला जाएगा और इंजन ऑयल भी डायरेक्टली हेड की तरफ आने लगेगा, जिससे इंजन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। अब इस लीकेज को रोकने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि पिस्टन के रिंग गैप को एक दूसरे से दूर रखा जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि रिंग गैप को एक दूसरे से विपरीत दिशा में अर्थात 180 डिग्री के एंगल पर रखा जाए। इससे इन गैप्स के बीच मैक्सिमम दूरी बन जाती है। इस तरह फर्स्ट रिंग का गैप इस तरफ हो तो सेकेंड रिंग का गैप इस तरफ 180 डिग्री पर रहेगा और थर्ड रिंग का गैप सेकेंड रिंग से पुनः 180 डिग्री पर यानी इस तरफ। यह रिंग गैप पोजीशन को सेट करने का फिक्स्ड रूल है। यह नियम सभी इंजन के लिए लागू होता है। इसके साथ कुछ और बातों का ध्यान भी रखना होता है, जैसे रिंग गैप थ्रस्ट एरिया और नॉन थ्रस्ट साइड एरिया में नहीं रखना है। आइए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिंग का पोजीशन सेट करते हैं। असेंबल्ड पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड को कुछ इस तरह बैरल के अंदर डालें। ध्यान रखें कॉनरॉड का नॉच और पिस्टन का एरो मार्क फ्लाईव्हील की तरफ हो। स्क्रू ड्राइवर या पुश रॉड की मदद से पिस्टन को कुछ इस तरह से होल्ड कर लें। अब हम नियमानुसार इस एरिया में पिस्टन रिंग गैप नहीं रख सकते हैं, तो आपके लिए सिर्फ कॉर्नर वाला एरिया ही बचता है जहां पर आप रिंग गैप रख सकते हैं। तो फर्स्ट रिंग गैप एरो मार्क के जस्ट अपोजिट वाले एरिया जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर रखें। सेकेंड रिंग का गैप ठीक इससे 180 डिग्री के एंगल अर्थात इस जगह पर रखें। और थर्ड रिंग गैप सेकेंड रिंग गैप से 180 डिग्री के एंगल पर यानी फर्स्ट रिंग गैप के ठीक सामने रखें। शॉर्ट में आप इतना याद रखें कि फर्स्ट रिंग पिस्टन पर बने एरो मार्क के ठीक बगल वाले कॉर्नर के सामने रखना है, सेकेंड रिंग ठीक इसके अपोजिट वाले कॉर्नर में तथा थर्ड रिंग पुनः फर्स्ट रिंग वाले कॉर्नर में ही रखें। इस तरह रिंग का पोजीशन सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। यह नियम BS2, BS3 तथा BS4 सभी के लिए लागू होता है। इसके बाद पिस्टन रिंग कंप्रेसर की मदद से सावधानी के साथ रिंग को कंप्रेस कर दें। ध्यान रखें रिंग अपनी निर्धारित जगह से घूम ना जाए। इसके बाद प्लास्टिक हैमर की मदद से पिस्टन को आराम से प्रेस कर दें।
अब कनेक्टिंग रॉड के कैप को थोड़ा ऑयल देकर नॉच का ध्यान रखते हुए फिट कर दें। कॉनरॉड बोल्ट को 3 केजी मीटर के टॉर्क से टाइट कर दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।